अस्सलामुअलैकुम। आज रमज़ान इफ्तार स्पेशल में हम आपके लिए लाए हैं क्रीमी चिकन लिफाफा। क्रीमी चिकन लिफाफा बनाने के लिए हमें लगेगा, हमने तीन टाइप की शिमला मिर्ची ले ली है, हरी, पीली और लाल, और आधा कप हमने पत्ता गोभी को खिस कर ले लिया है, और एक मीडियम साइज़ की प्याज को भी खिस कर ले लिया है, और एक टेबल स्पून इतनी प्याज की पत्ती लगेगी। और हमने 200 ग्राम चिकन लिया है जिसे हमने नमक डाल के बॉईल किया था और इसे श्रेड कर दिया है, और फिर हमने इसका स्टॉक जो निकला है वो एक कप लगेगा, और एक टेबल स्पून उतना हमने ये लहसुन को बारीक चॉप कर दिया है, और 2 टेबल स्पून उतना हरी मिर्ची को मोटा मोटा रफली पिस लिया था, और आधा कप हमने कॉर्न को बॉईल करके ले लिया है, और एक कप हमने मलाई के साथ दूध लगेगा जो बाद में हम वाइट सॉस बनाएंगे, और 3 टेबल स्पून उतना हमने मैदा लगेगा, और 1 टेबल स्पून उतना बटर लगेगा जो बाद में हम चिकन में डालेंगे। एक कढ़ाई में हम 1 टेबल स्पून उतना बटर और 1 टेबल स्पून उतना कुकिंग ऑयल डालकर जो लहसुन रखा था वो डाल देंगे, फिर हरी मिर्ची ऐड कर लेंगे, फिर बाद में हम ये प्याज और प्याज की पत्ती भी इसमें ऐड कर लेंगे, और जो बाकी की सब्जियां थे पत्ता गोभी और तीनों शिमला मिर्ची को भी इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर कॉर्न भी डाल देंगे, और जो हमने मैदा रखा था वो भी इसमें ऐड कर लेंगे, बाद में जो हमने चिकन रखा था श्रेड किया वो भी डाल देंगे, और 1 कप जो दूध रखा था वो भी, और चिकन स्टॉक जो हमने रखा था वो भी इसमें ऐड कर लेंगे, फिर इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर 2-3 मिनट तक पकने देंगे, और फिर 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून ओरेगानो, ये सब चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर बाद में हम बाकी का जो मैदा बचा था वो भी इसमें ऐड करके इसे अच्छे ड्राई होने तक इसे पकने देंगे, और 1 चीज स्लाइस ली थी हमने वो भी इसमें डालकर अच्छे से पका लेंगे, जब तक पका लेंगे जब तक के इसमें का पानी अच्छे से ड्राई ना हो जाए। देखिए अभी हमारा अच्छे से पक चुका है, इसे ठंडा कर लेंगे, और अब हमने ये रेडीमेड वाली समोसे पट्टी ली है, हमने चीज़ ले लिया है, 2 क्यूब्स लगेंगे चीज़ के जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है, तो चलिए अब इसे हम कद्दूकस करके एक साइड रख देंगे, और ये हमारा बैटर अच्छे से ठंडा हो चुका है, अब हम ये जो मैदे वाली लई बनाई थी तो ये 2 पट्टियाँ ले लेंगे, और उसे अच्छे से सेट करके ये जो बैटर बनाया था चिकन का वो बीच में डाल देंगे, और उस पर चीज़ डालकर फिर हम मैदे की लई लगाकर इसको अच्छे से पॉकेट टाइप बना देंगे, इस तरह से चारों तरफ से इसे सील कर देंगे और इसका एक पॉकेट टाइप बना देंगे। देखिए अब हमारा बनके रेडी है, इसी तरह हम ये पूरे पैकेट्स बना लेंगे। ऑयल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, तो चलिए अब इसमें हम एक एक करके डाल देंगे, और ये जब तक गोल्डन ना हो जाए तब तक इसे हमें फ्राई करना है। तो देखिए अब ये हमारे अच्छे से गोल्डन हो गए हैं, तब इसे हम छन्नी में निकाल लेंगे। तो चलिए अब ये सर्व करने के लिए रेडी है, तो लीजिए अब हमारे ये चिकन पॉकेट्स बनके रेडी है, इसे हम सर्व कर लेंगे। देखिए ये कितने चीज़ी और क्रीमी बने हैं, तो आप इसे आने वाले इफ्तार पर ज़रूर बनाएं, और मुझे ज़रूर बताएं आपके चिकन पॉकेट्स कैसे बने थे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड में शेयर करें। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।